नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले की गूंज, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गुलाम नबी आजाद ने पूछा, क्या इटालियन मरीन्स को लेकर इटली के पीएम से कोई डील की गई? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी आरोपों को किया खारिज। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर पूर्व वायुसेना प्रमुख की सफाई, कहा सामूहिक फैसला था हेलीकॉप्टर सौदा। इटली कोर्ट के फैसले के बाद घिरी कांग्रेस सांसदों की 10 जनपद पर हुई अहम बैठक। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। विशाखापट्टनम के बायोडीजल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान, आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू। जेएनयू की कार्रवाई के खिलाफ आज आमरण अनशन पर बैठेंगे कन्हैया कुमार। जेएनयू प्रशासन ने कन्हैया पर लगाया था 10,000 का जुर्माना और उमर अनिर्बान को निलंबित करने की दी थी सजा। अमेरिका में राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप का हिलेरी क्लिंटन पर हमला। ट्रंप ने कहा, महिला को राष्ट्रपति बनते देखना अच्छा लगेगा, लेकिन कुटिल हिलेरी सही उम्मीदवार नहीं। आईपीएल लाइन में जीत के ट्रैक पर लौटी पुणे सुपर जायंट्स, हैदराबाद को 34 रनों से हराया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।